आज हम ऐसे कुछ चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो आपके कार वॉशिंग के लिए बिल्कुल एकदम कंपलसरी जरूरी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई इसी कंपनी का लो उसी कंपनी का लो, पर जो मेरे पास है मैं आपको वो चीजें दिखाकर मैं सब आपको मैं वीडियो बना के बता रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको भाई इसी फोम केनन को लेना है या तो मेरा इसी शैम्पू को लेना है या तो इसी माइक्रोवेव क्लॉथ को लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई प्रैक्टिकली आपको इस चीज़ों का जरूरत पड़ सकता है एक अच्छा कार वॉशिंग करने के लिए, है ना। तो देखो सबसे पहला मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। ये है ब्रश, आपको दिख रहा है ये एक्चुअली अमेजोन पे इजीली मिल जाता है। ये देखो 5 सेट का ब्रश है वो, है ना। तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगे बिल्कुल एकदम कम रेट के अंदर, 5 ब्रश शायद 200-250 के अंदर मिल जाएंगे, हाँ। एक तो मेन बात यह है कि देखो ये जो लिंक है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में हर प्रोडक्ट का मैं लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाकर के प्रॉपर ऐसे देख सकते हो भाई वो किसका कितना प्राइस है। और इसका नाम बोलेंगे जो भी चीज़ आप, जो भी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि भाई ऐसे नहीं है कोई इसी कंपनी का लेना उस कंपनी का लेना है, आप इस तरह का ब्रश ले सकते हो, आप किसी भी दुकान से ले सकते हो, अमेजोन से ले सकते हो। अगर आप अमेजोन से लोगे तो आपको किसी भी दुकान में भटकने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इस तरह का ब्रशेस का, इस तरह का जो माइक्रोवेव क्लॉथ है हमारा, ये जो फोम केनन है, शैम्पू है, हर चीज़ का मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के खरीद सकते हो। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली अभी करके बताता हूँ काम इससे किस तरह का यूज़ है। देखो सबसे पहला इसके अंदर मैं दिखाना चाहता हूँ ब्रश दिया है, 5 एक पैक में 5 ब्रश आता है इसमें, देखो। लेकिन ये देखो ये छोटा है ना, सबसे छोटा एक आता है, इससे थोड़ा सा बड़ा एक आता है, हाँ, उसका और थोड़ा सा बड़ा एक आता है, 5 अलग साइज का, उसको थोड़ा सा और बड़ा, उसको ये सबसे फुल साइज है बड़ा, है ना। देखो लाइन से अगर रखोगे तो दिख रहा है आपको, ये छोटा, ये थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा बड़ा और ये बड़ा, ये एकदम ये बड़ा। देखो ना आपको 5-5 ब्रश मिल जाता है आपको, आपको दिख रहा है ना। तो पैसा वाला ब्रश आपको चाहिए, है ना। लेकिन क्या ये एक ब्रश महंगा पड़ जाएगा आप खरीदोगे? 5 का एक पैक आता है अलग अलग साइज का, आप ले सकते हो। आप आपको जहाँ पर जिस तरह का ब्रश चाहिए, जिस तरह का काम चाहिए, उसके हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो, है ना। चलो ये हो गया ब्रश की बात है, और ये हो गया माइक्रोफाइबर क्लॉथ। ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, खतरनाक चीज़ है ये, आपको बिल्कुल एकदम चाहिए ही चाहिए ये वाला, है ना। आप देखो भले आप ये वाला मत यूज़ करो, है ना, लेकिन आपको ये वाला माइक्रोक्लॉथ आपको कार के लिए एकदम कंपलसरी जरूरी है। देखो ये क्या है, थोड़ा सा लो क्वालिटी वाला है, इसमें पानी वानी उतना ज़्यादा खींचता नहीं है। नॉर्मली शैम्पू अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हो। या तो देखो ये है सेफ्टी के लिए। देखो जैसे आप अगर ऐसा कार पे अप्लाई कर रहे हो, तो अपने बाइक का अगर ऐसा शैम्पू अप्लाई कर रहे हो तो कभी कभी क्या हाथ वगैरह कट जाता है ना, मेरा कई बार कटा है बाइक वॉश करने के टाइम। तो आप इसको ऐसा इससे ऐसा शैम्पू वगैरह अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये कार पोंछने के लिए नहीं है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ पोंछने के लिए नहीं है, ये कार पे शैम्पू अप्लाई करने के लिए है। मैं आपको भी आपको प्रैक्टिकली यूज़ करके बताने वाला हूँ। देखो ये दो चीज़ें ना शैम्पू अप्लाई करने के लिए, ये भी और ये भी, आप दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये एकदम स्पेशल है कार के कांच पोंछने के लिए, पेंट पोंछने के लिए। इसका जो खासियत है मैं आपको दिखाता हूँ, आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा तो आपको दिखेगा। तो कार वॉश करेंगे, है ना, उसके बाद पोंछेंगे, आपको उसका जादू दिखाऊंगा एकदम। हमारा एक्चुअली जादू है वो, पानी किस तरह सोखता है, किस तरह का काम करता है, वो जादू है बिल्कुल। लेकिन इससे नहीं बनने वाला है, मैं आपको ये भी डिफेंस दिखाने वाला हूँ। ये देखो ये भी माइक्रोवेव क्लॉथ है, लेकिन इसमें और इसमें जमीन और आसमान का फर्क है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अमेजोन पे जो कोई चीज़ सस्ता मिलता है ना, अरे भाई ये तो सिर्फ 40 का मिल रहा है, हम ये ले लेते, है ना, ये बहुत महंगा आता है, 150-200 का आता है, ये सेम तो काम करेगा, माइक्रोवेव क्लॉथ ही तो है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको मैं प्रैक्टिकली वो चीज़ अभी करके बताऊंगा, है ना। तो ये काम करते मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैं फटाक से आपको मैं प्रैक्टिकली मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ ये चीज़ें कैसा काम करता है। तो सबसे पहले हम इसको रेड फोम केनन यूज़ करने वाले, है ना। देखो मैं इसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर ये रेड फोम केनन खरीद सकते हो। देखो ये एकदम हाईफाई नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा भाई ये 3,000-4,000-5,000 का जो फोम केनन है वो जैसा काम करेगा ऐसे ही काम करेगा, तो ऐसा नहीं है। तो ये जो है ना नॉर्मली मीडियम रेंज का ये है फोम केनन है, अब ये वाला ले सकते हो। नॉर्मली कितना है वो 1100-1200 के रेंज के आसपास कुछ आपको मिल जाएंगे अमेज़न पे। तो एक काम करेंगे, जो सिल्क का शैम्पू है हम ये वाला यूज़ नहीं करेंगे, हमारे पास खुला हुआ शैम्पू रखा है वो हम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि सिल्क वाला यूज़ करेंगे तो भाई मेरा ऐसे हर डब्बा ऐसा खाली होते रहेगा। फिर पिछले बार जब वीडियो बनाते थे ये वाला हमने शैम्पू यूज़ किया था, तो अभी भी हम सेम वही यूज़ करने वाले। हंड्रेड एम एल शैम्पू ले लेंगे, है ना। यस ये 100 ml हो गया, स्लाइटली ज़्यादा हुआ लगता है 100 ml से, हल्का सा ज़्यादा हो गया, 10 ml ज़्यादा हो गया, तो रहने दो कौन वापस खाली करेगा, आपको तो मैं बता ही दिया हूँ 10 ml ज़्यादा हो गया, है ना, क्या करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, तमाशा करते रहते। चलो इसको रख देंगे साइड में, और अभी इसमें पानी भर देंगे। तो नॉर्मली आप अगर 50 ml भी लोगे ना शैम्पू तो भी इसमें काम करेगा। अरे पानी कहाँ है, हाँ पानी आ चुका है, यस पानी भर गया है, यस। चलो हम फटाक से अभी इसमें यूज़ करने वाले फोम केनन के साथ इसमें लगाएंगे ये क्विक कनेक्टर। देखो हमारे पास जो फोम केनन है ना वो इस तरह का मशीन के लिए, इस तरह का गन के लिए भी है, और वॉश के लिए भी है, और कारचार के लिए भी है। तो अलग अलग कंपनी का जो है ना हमारे पास, कारचार के लिए नहीं सॉरी ब्लैक एंड डेकर के लिए है,
तो इस तरह का गन के लिए है, वो कई सारा मशीन में सेम गन लग जाता है, और बॉश के लिए है और ब्लैक एंड डेकर के लिए, तीन तरह का मशीन के लिए हमारे पास जो है ना वो फोम कैनन अवेलेबल है। आप चाहते हैं अमेजोन से जा कर के मंगा सकते हो, हर तरह का चीज़ें वो भी आपको चाहिए, कोई कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है कि भाई ये चलो एक काम करते मशीन को पहले ठीक से क्लियर कर लेते, मशीन ऑन यस, तो पानी वानी क्लियर आ जाने दो उसके बाद करेंगे। चलो दोस्तों तो मशीन हमारा भी रेडी है, अब हम इसको लगा देंगे फोम कैनन। देखो अभी क्या है, कार पे देखो डस्ट वगैरह है, तो आज हम क्या करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ पहले पानी नहीं मारेंगे, डायरेक्ट शैम्पू अप्लाई करेंगे आज, क्योंकि नहीं तो वीडियो ऐसे लंबा होते रहते हैं ना। और कुछ ये मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको पानी मारने के बाद ही आपको शैम्पू अप्लाई करना है, जो फोम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्टली फोम अप्लाई कर सकते हो। हाँ अगर अगर आप ऐसा बाल्टी के अंदर फोम बना के अगर आप ऐसा यूज़ करोगे तो ऐसे में आपको पहले एक बार पानी मार लेना चाहिए, उसके बाद आपको शैम्पू अप्लाई करना चाहिए कपड़े से, है ना। लेकिन हम क्या डायरेक्ट फोम अप्लाई करेंगे तो ऐसे में सीधा मार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कार उतना ज़्यादा गंदा नहीं ना, नॉर्मल है, हल्का हल्का देखो बारिश थोड़ा बहुत कीचड़ हुआ, ज़्यादा गंदा नहीं है, मेरा कार तो इससे भी ज़्यादा गंदा रहता है, खतरनाक है ना, ये तो नॉर्मल है बोलने से चलता है। स्प्रेड हो जाओ, हाँ ये देखो भाई साहब आपको दिख रहा है, ये जो 1200 का जो फोम कैनन है वो उसमें इस तरह का फोम आएंगे, ये देखो। अगर आपको इससे भी गाढ़ा गाढ़ा फोम चाहिए है ना, तो और भी वैरायटी का फोम कैनन आता है, जैसे 3500 का 5000 का फोम कैनन आता है, आप वो वाला यूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा गाढ़ा फोम आएंगे। लेकिन जो रेड फोम कैनन है ये आप किसी भी कंपनी का ले लो, इसका दिक्कत आता है। वाओ देखो एक मिनट के फुल कार को उसको अप्लाई कर दो, ये देखो। अब जैसे हमने अभी फोम अप्लाई कर दिया, जो जो डस्ट वगैरह है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो रहा है ना, उसको होने तो सॉफ्ट। देखो अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है, देखो ये दो चीज़ें हमारे पास, इससे आपको करना जरूरी नहीं है, बहुत महंगा आता है, तो मैं इससे ऐसा नहीं बोलूँगा आपको इसी से पूछना है। देखो इस तरह का चीज़ आता है, ये जो ये थोड़ा सा सस्ता वाला क्लॉथ है, और ये नॉर्मली सेफ्टी के लिए वाला है, कोई भी यूज़ कर सकते हो। देखो अब इसको मस्त लगाओ ऐसा ऐसा, यस ये देखो फास्ट काम होता है ये, वो हो भाई साहब मज़ा आ गया। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, कार पोछने के लिए नहीं है ये कार नहीं पोछता, ये स्पेशली वाइप करने के लिए, कार पोछने जैसे कि कार वॉश करने के लिए आप सोचोगे इससे पानी सूख लेगा, तो इससे पानी नहीं सूखता है, इससे बस ऐसे अप्लाई करने के लिए, लेकिन एक अलग मज़ा आता है, इसको ऐसे हाथ के अंदर डालो मस्त, फिर बाद में ऐसे कार में अप्लाई करो, मतलब कार काम जो है ना फास्ट होता है, और एक अलग एक सेफ्टी भी मिलता है आपको हाथ के यहाँ पर, ये देखो फास्ट वाओ। ओहो अब से मैं सोच रहा हूँ रेगुलर इसी को यूज़ करूँगा, ऐसे मैं ज़्यादा टाइम वीडियो बनाता हूँ फटाफट कर लेता ना, तो मैं इस ये वाला ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं करता हूँ, ये देखो वाओ। ओहो और आपको क्या कार अभी धूप में रखा हूँ, धूप में रख करके वॉश करता हूँ, तो आपको धूप में रख करके ऐसे कार आपको वॉश नहीं करना है ना, थोड़ा छाव में रख के ही आपको वॉश करना चाहिए, क्योंकि अब जैसे कि मैं अभी शैम्पू अप्लाई कर दूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो तुरंत तुरंत जो है ना वो सूखने को आ रहा है, देखो इसलिए आपको छाव में रख करके कार आपको वॉश करना चाहिए, बॉडी ठंडा रहना चाहिए। चीज़ क्या हो रहा है, देखो ऐसे ऐसे फ्लैट है ना, ऐसा स्क्वायर इतना बड़ा, तो एक बार जैसे एक बार हम मारा देखो इतना जगह पे कवर कर रहा है ना, और एकदम स्मूथ एक टेबल पे ऐसा मस्त ऐसा घिस रहा है ना। लेकिन देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ लोग, अरे देखो ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा तापा रहता है, इसमें मज़ा नहीं आता काम करने का, देखो ये देखो इस तरह से ये देखो ऐसा, लेकिन ये उसमें उतना ज़्यादा मज़ा नहीं है। देखो देखो अंदर कैसा होगा, देखो ना आपने जितना ही फोल्ड करो कुछ भी करो, देखो ये ऐसा फोल्ड अजीब सा मुरझा के ऐसा भी हो जाता है ना। लेकिन अगर आपने अगर इसकी बात करेंगे, देखो मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ डिफरेंट क्या है, देखो ये आपने देखा, ये देखो मैं दोनों में अगर मैं घिसूंगा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखो इसके अंदर का देखो ऐसा हो जाता है, और इसके अंदर देखो कितना फिनिशिंग मस्त एकदम फ्लैट है ना, तो ये चीज़ें ऐसा काम करता है ये बदमी, ये देखा आपको दिख रहा है वो, मतलब ऐसा अजीब सा हो जाता है वो,
तो जो भी है कुल मिला के ये दोनों भी आपको मिल जाएंगे अमेजोन पे, फिर आप ये भी ले सकते हो चाहे तो ये भी ले सकते हो। पर मैं बोलूँगा भाई इससे कार को ऐसा शैम्पू अप्लाई करने का भाई मज़ा ही कुछ अलग है। चलो एक काम करेंगे, अभी मैं अभी फुल कार को अच्छे से पोंछ लेता हूँ मस्त तरीके से, है ना, वाइप कर लेता हूँ अच्छे से। दोस्तों ये देखो, ये जो ब्रश है ये सबसे मोटा वाला मैं यूज़ करने वाला हूँ इसका एलॉय व्हील क्लीन करने के लिए। देखो जो डीप क्लीनिंग जो है ना, डीप क्लीन करने का ये काम आता है। ये देखो इंजन के क्लीन के लिए, इंटीरियर क्लीन के लिए, व्हील क्लीनिंग के लिए, हर तरह का काम आता है। देखो ये देखो अंदर से जो भी है ना, ब्रश मारते साथ ही देखो कचरा बाहर आ रहा है, आपने देखा। देखो ये टायर पे जो है ना, आपको हैवी ब्रश मारना चाहिए, जो बहुत लोग जो कपड़ा घिसने वाला ब्रश होता है ना उस तरह का ब्रश मारो, जो हार्ड ब्रश से, और बाद में क्लीन हो जाएगा। देखो दिख रहा है, देखो ये वाला ब्रश से मारा, देखो आपको फिर देखो आपको कचरा दिख रहा है, आपको पूरा गंदा कैसे बाहर आ रहा है ना। तो इससे करेंगे टाइम ज़्यादा लग जाएगा ये वाला ब्रश से, ये टायर को नहीं घिसते, लेकिन जो डिटेलिंग करने के लिए वाला ब्रश बहुत ज़रूरी होता है। देखो ये ऐसा, ये अंदर अंदर से जो है ना, ये देखो ऐसा, क्योंकि यहाँ पर फ्लैट ब्रश नहीं जाएगा। ये देखो ऐसा अंदर तक कैसा पूरा सही तरीके से क्लीन कर लेना आपको ऐसा अच्छे से। देखो पूरा, देखो जो गंदा निकल रहा है आपने देखा। ये देखो कैसा गंदा बाहर आ रहा है, देखो जरा ये देखो, देखो दिख रहा है पूरा काला काला। यहाँ पर मैं ऐसे एक करूँगा, देखो पूरा गंदा ऐसे बाहर आ गया। देखो ये देखो दिख रहा है ब्रश के अंदर लगा हुआ है, देखो इसमें पूरा गंदा लगा हुआ है। क्लीन करने के लिए ब्रश भी आपके पास रहना चाहिए। चलो ये हो गया ब्रश का, है ना। अब अच्छे से क्या करेंगे, उसको पानी मार लेंगे। दोस्तों ये देखो हमने फुल कार को अच्छे से मस्त एकदम चकाचक कपड़ा मार लिया है। अभी क्या है, शैम्पू पूरा कार में जो ना सूख जाएगा, उसके पहले हम क्या करेंगे अच्छे से मस्त एकदम पानी मार लेते और कार को एकदम चकाचक कर लेते। और उसके बाद मेन सीन तो बाद में है, जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है ना महंगा वाला है, जो अच्छा क्वालिटी का है ना, उसका मेन जादू भी बाकी है। एक्चुअली 600 GSM का है माइक्रोफाइबर क्लॉथ, आपको एकदम भी हाई क्वालिटी का GSM एकदम लेने की जरूरत नहीं है। 600 GSM इनफ है आपके कार के पूछने के लिए, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, ये जो पानी वगैरह है ना देखना, एकदम पल भर में सूख जाएगा कार से आपको, ऐसा ज़बरदस्त जादू पड़ेगा वो। मतलब कुछ दिन पहले मैंने एक चाइना का वीडियो देखा था, कोई चाइना वाला कोई आदमी ऐसा वीडियो बना रहा था इंस्टाग्राम पे, शायद ऐड आया था क्या, कार के ऐसा बोनट पे पानी स्प्रे किया और बस खाली इसको क्लॉथ को रखा, ऐसा एक बार खींचा शाइन करके क्लीन हो गया। भाई साहब मेरे को देखे बहुत मजा आ गया, मतलब वाओ। आज तो भाई ये वाला प्रैक्टिकल हम भी करके देखेंगे कि जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है वो एक बार मारो शाइन करके और एकदम क्लीन हो जाता है कि नहीं। अरे मुझे यकीन हो ही जाएगा, क्योंकि भाई ये क्लॉथ में दम है, मुझे पता है ना एकदम हाई क्वालिटी का है वो। देखो कलर आप ऐसा जरूरी नहीं, कलर आपको यही मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, कलर आप कौन सा भी चॉइस कर सकते हो ना, कलर से मैटर नहीं है, आपको क्वालिटी से मैटर है। 600 GSM होना चाहिए। चलो हमने पानी मार दिया, ऊपर ऊपर से नीचे तरफ आने का पानी मारते हुए।
चलो फुल कार को अच्छे से पानी मार के हो गया है। अब बारी है जादू जादू दिखाने का। ये देखो जैसे कभी ये साइड में गीला है ना, ये देखो इसको बस मैंने ऐसे वीडियो में देखा था, ऐसा बस खाली रखा था इसके ऊपर ऐसा, ये देखो ऐसा हमने रख दिया है ना, कुछ नहीं करना उसको। ये देखो ऐसा हमने एक बार खींचा खाली, हाँ ये देखो वाओ आपको दिख रहा है ड्राई, देखो ज़रा ये देखो ये साइड में गीला है ना, और ये साइड में देखो एकदम ड्राई हो गया है। ये देखो मैं आपको कांच के ऊपर करके बताता हूँ, ये देखो हाँ इसमें इफेक्ट ज़्यादा दिखेंगे। ये देखो हाँ ऐसा हमने ऊपर रख दिया, ये देखो हमने खींचा ऐसा, वाओ देखो तरह डिफरेंस आपको दिख रहा है, देखो एक सेकंड के अंदर ड्राई भाई साहब, ओहो हो देखो ज़रा हाई क्वालिटी एकदम ज़बरदस्त। दोस्तों मैं आपको फिर से दिखाता, देखो मैंने फिर से पानी मारा है, देखो पूरा डॉटेड ऐसे पूरा डॉट डॉट डॉट, देखो पूरा पानी गिरा हुआ है ना, देखो मैं आपको फिर से दिखाता, एक बार खींचेंगे बस ऐसा हम कर दिया, हाथ भी नहीं लगाएंगे, देखना जादू देखना इसका, ड्राई मतलब इतना ज़बरदस्त चीज़ है ना, मतलब पानी जो है ना एक सेकेंड के अंदर अपने अंदर सोख लेता है। ये देखो ड्राई हो गया है, और ये देखो यहाँ पर देखो पूरा पूरा पानी भरा हुआ है और यहाँ पर बिल्कुल एकदम ड्राई हो गया है, डिफरेंस दिख रहा है आपको। ये देखो बिल्कुल सूखा एक सेकंड के अंदर, मज़ा आ गया। तो ये चीज़ें है, तो आप अगर पैसे देकर के खरीद रहे हो ना भाई साहब, तो आपको इस तरह का चीज़ें खरीदना चाहिए, मतलब एक बार खींचो और ड्राई हो जाएगा। अब लेकिन इसका भी एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ऐसा वाला है ना, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, इससे ये कुछ काम का नहीं है। दोस्तों ये देखो आपको दिख रहा है ना कैसा ड्राई हो गया, और ये साइड में देखो पूरा पानी पानी है ना, हमने भी हाथ भी नहीं लगाया, ये देखो यहाँ पर बिल्कुल एकदम एक बार वाइप किया और ड्राई हो गया, ये इसका कमाल है। लेकिन अब क्या ये सस्ता वाला है थोड़ा सा, जिससे हम फोम वगैरह अप्लाई करने के लिए वाला यूज़ कर सकते हैं, कम रेट वाला है ना। देखो अब इसको भी हम ऐसे ट्राई करके देखेंगे, ऐसा हमने रखा यहाँ पर है ना, ये हमने वाइप कर दिया, लेकिन देखो यहाँ पर पूरा पानी पानी है, ये देखो पूरा पानी पानी है आपको दिख रहा है, ड्राई नहीं हुआ, पानी को सोखता ही नहीं हो ठीक से। ये देखो इसका ऐसा घिसेंगे ना, ये देखो पूरा पानी पानी दिख रहा है आपको, ये देखो पूरा पानी पानी दिख रहा है, देखो ये सूखेगा ही नहीं हो, पूरा पानी पानी है, देखो ये देखो पूरा हाथ में पानी लग रहा है, पूरा पानी आपको दिख रहा है, देखो ये देखो ये देखो ये पानी पानी दिख रहा है पूरा, तो ये सूखता नहीं है ठीक से इससे। लेकिन ये साइड में देखो बिल्कुल एकदम ड्राई हो चुका है। तो ये चीज़ें है दम इसमें, वाओ। तो दोस्तों अभी ये काम करेंगे वीडियो का, और मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आपको बस सिंपल तरीके से आपको समझाना था कि भाई इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। हाँ देखो ये नॉर्मली मुझे लगता है अमेज़न में कुछ 40 रुपये का होगा, पता नहीं 40-50 का कुछ होगा ये वाला, लेकिन ये 100 कोई कोई कंपनी वाले 120 कोई 150-200 का भी बेचते हैं, ऐसा अलग अलग कंपनी का है। तो मैं एक काम करूँगा, जो सबसे चीप रेट वाला है कम रेट के अंदर आपको अच्छा क्वालिटी का माल मिले वैसा मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर के खरीद सकते हो। क्या क्या हम भी इसको अमेज़न पे सेल कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो कंपेयर करके आपको जो ठीक लगे वो ले सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको 600 GSM का लेना चाहिए। और मैं तो चाहूँगा कि भाई आप हमारे लिंक से दिए और लिंक से आप खरीदो, ताकि हमको भी 2 पैसा फ़ायदा हो जाए, बाकी आपका मर्जी है ना। आप हमारे वीडियो देखते हो, आप हमारे जेन्युइन सब्सक्राइबर हो फॉलोअर हो मुझे पता है, तो आप जब खरीदोगे तो हमारे लिंक से खरीदोगे, बाद में हमको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हो जाएगा। आप कहीं से भी खरीदो, लेकिन क्या है बाद में अगर हमको फ़ायदा नहीं हो जाएगा तो बाद में क्या बताऊँ मैं, होना चाहिए ना भाई, हमको भी फ़ायदा होना चाहिए। पर आपको अगर किसी और कंपनी पे भरोसा है तो वहाँ से भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। तो और एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसे सब्सक्राइबर के बारे में कभी बोलता नहीं हूँ, पर आज मैं बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे हेटर हो, या तो आप मेरे फॉलोअर हो, या तो आप मेरे वीडियोज़ देखते हो है ना, जो भी है मैं सबको प्यार करता हूँ, हेटर को भी और बाद में जो हमको हमारा जो फॉलोअर है उनको भी, मैं दोनों को भी प्यार करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ मेरा हेटर भी है तो भी आप मुझे सब्सक्राइब करो है ना, कोई भी है जो भी है जो मेरे वीडियोस देखते हैं भाई सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा देखो मैं 5-6 साल से मैं कार डिटेलिंग से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ, अब सिर्फ कितना है मतलब देखो 4.5 लाख के आसपास मेरा सब्सक्राइबर है। मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग, अगर मेरा हेटर भी है तो भी मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ मैं, तो आप सब्सक्राइब करो और प्लीज़ मुझे 1 मिलियन तो पहुँचा ही दो यार, मैं और कब तक ऐसा घिसते रहूँगा, और मैं देखो 1 मिलियन नहीं हो रहा है ना। चलो जो भी है दोस्तों, बाकी मुझे पता है कि आप लोग मेरे साथ हो है ना, वही बड़ी बात है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।